सोनालिका जोशी एक भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जो टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी आत्माराम भिंडे के किरदार के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा यह कई मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनके ही जीवन के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो सोनालिका जोशी का जन्म 5 जून 1976 में मुंबई में हुआ था। इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है और इनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिरांडा हाई स्कूल से पूरी की है। इसके बाद इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फैशन डिज़ाइनिंग में बीए किया और सोनालिका को बचपन से ही अभिनय करने का काफ़ी शौक था और यही शौक इन्हें मुंबई एक्टिंग इंडस्ट्री में ले आया। यदि बात करते हैं इनके करियर के बारे में, तो इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2006 में आई मराठी फिल्म वारस सरद सरद से की थी, जिसमें यह एक अहम भूमिका में नजर आई थी। सोनालिका जोशी को वास्तविक प्रसिद्धि टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से प्राप्त हुई है। इस टीवी शो में इन्होंने माधवी आत्माराम भिंडे का किरदार निभाया और साल 2008 से यह इस टीवी शो में माधवी आत्माराम भिंडे का किरदार निभा रही हैं। यदि बात करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में, तो सोनालिका जोशी की शादी 5 अप्रैल 2004 में एक बिजनेसमैन समीर जोशी से हुई थी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम आर्या जोशी है। सोनालिका जोशी अपने परिवार के साथ मुंबई के कांदीवाली जैसे पॉश इलाके में रहती हैं। तो दोस्तों, ये रही सोनालिका जोशी के जीवन की जुड़ी कुछ जानकारियाँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो